अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार, देहात थाना पुलिस की सफलता। आदिम जाति विकास विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस, प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने बजट सत्र की तैयारी को लेकर दिए निर्देश। सोनपुर पहुंच मार्ग का नाला बना जानलेवा, 26 अगस्त की रात कार सहित बहे युवक की मौत। और गणेश उत्सव की तैयारी में जुटे भक्त, मूर्तिकार श्री गणेश मूर्तियों को दे रहे आकार। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूँ प्रतिभा वीरे। और अब खबरें विस्तार से। देहात थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी नागपुर के रहने वाले हैं, जो छिंदवाड़ा जिले में चोरियां कर वापस महाराष्ट्र भाग जाया करते थे। इन शातिर चोरों के पास से बिना नंबर की प्लेटिना बाइक और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। थोड़ी और तू इधर से रखे, उसकी बीच वाली खुली आंध है ना, साफ साफ पास में चिपक जाती है ऐसा। अरे यार मैं काई चूक रहा हूँ भैया, दिनांक 19/8/19 को प्रार्थी मनोज भोगरे ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट कराया कि प्रार्थी घर से दोपहर के समय अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर नकदी रुपए और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। की रिपोर्ट पर अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया था। अज्ञात आरोपियों की तलाश पदासाजी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के निर्देशन में अज्ञात आरोपियों की तलाश पदासाजी के लिए टीम गठित की गई थी। और प्रार्थी ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि प्रार्थी घर से एक कीपैड मोबाइल चोरी कर ले गए हैं। तो साइबर टीम के द्वारा प्रार्थी के मोबाइल की सिम की टावर लोकेशन प्राप्त की गई, जो टावर लोकेशन नागपुर मिला। श्रीमान वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम को नागपुर भेजाया गया था। तो टीम के द्वारा 3 दिन अथक प्रयास से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें आरोपी कपिल पिता अशोक कपिल है, दूसरा आरोपी ऋतिक है, तीसरा आरोपी विलास है। ये तीनों आरोपी नागपुर के रहने वाले हैं। और इन्होंने आरोपियों से बारीकी से पूछताछ किया गया, जिन्होंने बताया कि नागपुर में इनके विरुद्ध लगभग 8 से 10 स्थानों में कम से कम 15 से 20 अपराध दर्ज हैं। नागपुर से उनकी आपराधिक कार्य प्राप्त किए जाते हैं। और आरोपी कपिल ने चोरी का सामान एक मंगलसूत्र और सॉरी एक चैन और एक सोने का लॉकेट झांसी के किसी सत्तू सोनी को बेचना बताया है। तो आरोपी का पीआर लेकर टीम को झांसी पथक से भेजा जाएगा। बाकी आरोपियों को रिमांड पर भेजा जा रहा है। सोनपुर मार्ग पर चौहारी नाले के रपटे में 26 अगस्त की रात आखिर वो हुआ जिसकी आशंका जताई ही जा रही थी। बारिश में उपनता नाला पार करने के चक्कर में एक युवक कार सहित बह गया, जिसका शव आज सुबह मिला। Thank you.
कल रात करीबन 12:30-12:15 के आसपास रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि शहरी नाला जो सोनपुर और छिंदवाड़ा के बीच में पड़ता है उसमें भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो था नाला, इस पर एक कार बह गई है। तो स्टाफ के साथ थाना कोतवाली पुलिस ने रात में पहुंचे तो वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि अरुण उर्फ आलू मंडरा जो सोनपुर से छिंदवाड़ा की ओर आ रहे थे तो रात करीबन 12:15 ओवरफ्लो होने के कारण ये अपनी कार से इनकी कार बह गई, तो जिसमें रात में भारी बारिश होने के कारण रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। तो सुबह रेस्क्यू करके इनकी बॉडी और कार थोड़ा नाले के थोड़ा आगे मिली, इटियोस कार थी और सोनपुर के आगे संगम पर सुबह 8:00 के आसपास इनकी बॉडी मिली झाड़ पे लटकी हुई थी, तो जिसे पीएम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। आदिम जाति विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करते हुए बजट सत्र 2019-20 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ताकि उनको पता चले कि उनके खाते क्यों फेल्योर हुए हैं। ये कितने की सूची है बेटा? ये 90 की है क्या पूरी? ये क्या है? पीओ प्रोसीडिंग सक्सेसफुली चला गया है, वही है क्या? देखिए ये जो लिस्ट आपको महाविद्यालय की दिख रही है, इधर आओ, इधर राइट साइड पीओ प्रोसीड जहाँ पे दिख रहा है, ये पीओ प्रोसीड जहाँ पर दिख रहा है उनका पेमेंट ऑर्डर आपका प्रोसीड हो गया है, मीन्स ये खाते क्लियर हो गए हैं, राशि इनकी ट्रांसफर हो चुकी है। सक्सेस या फेल्योर वाली जिससे मैच कर लेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि उसमें किसका पैसा एक्चुअल गया है किसका नहीं है। एक थोड़ा सा आपके क्वेश्चन बन के आएगा कि इन दिनों ने क्या किया है कि जुलाई अगस्त के शिशु डिस्कस तो किया था तो ऑर्डर में आपका ट्रेड ऑफ ने पास कैसे कर दिया वो भी कौन से जिले में मैडम? दिक्कत ये आ रही है कि उसकी ऑनलाइन में तो सभी के जैसे बढ़ जाते परिजनों ने पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह के नेतृत्व में आज छिंदवाड़ा पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और इस हादसे की जांच की मांग की है। हमारे चौड़ी क्षेत्र के मोरखा ग्राम के अपने शंकर जो धुर्वे जी हैं पूर्व लाइनमैन, इनका जो है दो बच्चे थे, एक मतलब जो है कमलेश जो एक नरेश करके चंद्रवंशी था उसको साथ में लेकर के ये लोग हलाल गए थे और हलाल से लौट करके फिर वापस नहीं आए और वो रात में 3:00 नरेश जो है घर पहुंच गया था। वही हमने SP साहब से पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग की है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, इसकी बारीकी से जांच की जाए तो ये मर्डर साबित होगा, क्योंकि वो जो लड़का है ना मैयत में गया और ना इनका कोई परिवार का गया, गांव में रहते हैं आजू बाजू व्यक्ति, पर ये जो है यानी पुलिस जो है उन्होंने TI को जांच सौंपी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है इसका मामले का खुलासा होगा। चौरी थाना से बारिश की दुआएं ऊपर वाले ने कबूल की और इस बार अब तक 751 मिलीमीटर औसत वर्षा जिले में दर्ज की जा चुकी है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा अत्यंत कम था। इस बार जिले में लगभग सभी जलाशय लबालब भर चुके हैं, यहां तक कि कई जलाशयों से पानी छोड़ने की नौबत आई है। माचागोरा डैम से पानी छोड़ा गया तो ये नजारा बेहद खास था।
आज ईएलसी चौक पर पुलिसकर्मियों द्वारा वाहनों की जांच की गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो दिखाएंगे कुछ और खबरें। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन,
स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, तीन बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान चार फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रत्येक मंगलवार की तरह आज भी डीएम कोर्ट में जन सुनवाई की गई। एडीएम राजेश शाही ने पूरी संजीदगी से आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधानात्मक निर्देश प्रदान किए। आज 141 आवेदनों पर जन सुनवाई की गई। थैंक यू। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर दोनों ही संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने राष्ट्र सेवा के कार्यों का संकल्प लिया। जो छोड़ते हैं वो विश्व हिंदू परिषद ऐसा मानता है वो कसाई से ज्यादा बड़ा पाप करते हैं और इस पाप से हिंदू समाज को बचाना है, जन जागरण दिलाना है, जन जागरण का काम करना है। ये विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया है। हम गौ माता को पाले, घर में पाले और जो पालने की जगह नहीं वो गौशाला में एक गाय को गोद लें और जिनके पास गौशाला भी नहीं वो गांव की पंचायत में ऐसा अभ्यारण बनाने के लिए या चरणोई भूमि में रखने का प्रयास करें। और इसलिए हमने सरकार से मांग की है, केंद्र सरकार से भी, गौ मंत्रालय बनाओ, गौ माता का संरक्षण करो, सेवा करो, इसके लिए बजट बनाओ। केंद्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है और हमने राज्यों की सरकारों से बात की। राज्यों की सरकारों में लगभग 17 राज्यों ने गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंध का कानून बना दिया है, लेकिन कानून बनाने से गौ हत्या नहीं रुकी है। हमने कहा गाय की चरनोई भूमि गौठान को मुक्त कराओ। गांव गांव में इस सरकार ने घोषणा की है कि हम ग्राम पंचायतों में गौशाला खोलेंगे। हमने ज्ञापन दिया है हर जगह और उनसे मांग की कि आप अपनी घोषणा को पूरा करो। गौ माता सड़क पर जो घूम रही है उसको बचाओ, उसकी रक्षा करो। तो हम सरकार के माध्यम से, हम समाज में जन जागृति लाने के माध्यम से गाय की रक्षा का काम करेंगे और सीधे 400 गौशाला शुरू कर चलाती है जो हजार हजार 2000 गाय रहती है। तो गौ रक्षा गौ सेवा भी गौशाला के माध्यम से करेंगे। लेकिन इससे भी काम पूरा नहीं होगा, इसलिए अनुसंधान केंद्र चालू किए, शोध के काम शुरू किए, संवर्धन के काम शुरू किए, गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से दवाइयां, कॉस्मेटिक आइटम ऐसा सब बनाने का प्रयास किया जो दूध नहीं देती गाय उसकी भी रक्षा हो। जैविक खेती का प्रयास किया जाए। हमने हमारे कार्यकर्ताओं से एक बात कह रहे हैं, यहाँ जो ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जिनके पास जमीन है, बीघा, दो बीघा, चार बीघा, पांच बीघा में जैविक खेती करो और गाय के गोबर की खाद बना करके जैविक खेती करने का उदाहरण प्रस्तुत करो। क्योंकि गाय हम पालेंगे तभी गाय बचेगी। गाय गौशाला तो वैकल्पिक स्थान है, वो प्रमुख स्थान नहीं है। इसलिए जैविक खेती करने का संकल्प लो, गौ माता को पालने का संकल्प। नोनिया करबल क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने वालों ने क्षेत्रवासियों की नाक में दम कर रखा है। आखिरकार क्षेत्र की महिलाओं ने शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाते हुए आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कहाँ से आए हो?
आप नोनिया करबल मंगुआ ढाने से आए हैं। क्या मांग है आपकी? बस सर, हमारे मोहल्ले में दारू बंद होना चाहिए। हमारे मोहल्ले में औरतें भी और आदमी भी इतना शराब पी रहे हैं और इतना उदम कर रहे हैं कि रोड में गिर गिर जा रहे हैं। हर वक्त गेहूँ दाना सब बेच रहे हैं। बहुत परेशान है हम, बाकी कोई परेशानी नहीं। उस औरत को हम बोलते हैं जिसके यहाँ शराब बिकती है, तो वो बोलती है कि कलेक्टर ने मेरे को लाइसेंस दिया है। हरी सल्लाम चूड़ा बोह लावा घोगरी की राधा समूह की महिलाएं आज कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ये महिलाएं स्थानीय रेत खदानों का ठेका मांग रही हैं। कहाँ से आए, किस लिए आए हो आप? हम चूड़ाबो ग्राम से आए हैं सर, और हमारे हमको रेत का ये जैसे टेंडर लेना है। दूसरे आके हमारे गांव में टेंडर लेके और रेती का पैसा उन लोग ये कर लेते हैं। आप कौन से समूह से हो? मैं राधा समूह से। राधा समूह कितने लोग जुड़े आपसे? 12 लोग। रोजगार है तो भाई दूसरे फायदा उठा रहे हैं अपने गांव में रेता का, तो क्यों ना हम उठाए। तो हमारे सभी सलाह किए हम लोग ने पूरे गाँव लेवल की दीदिया ने, और हम लोग टेंडर लेने आए। चूड़ा वो कहाँ पड़ता है? ये लावा घोगरी की साइड में, कनान के पास। कनान नदी? हाँ, कनान नदी का सर। तो दूसरे फायदे उठाते हैं सर, तो क्यों ना हमारे गांव में रोजगार। क्या मांग है तुम्हारी? वो जैसे रेती का ठेका लेना है। आपको टेंडर चाहिए? टेंडर चाहिए हमको। बात करते हैं गणेश उत्सव की। गणेश उत्सव की तैयारियां लगातार जारी है। जहां एक ओर पूजा पंडालों में तैयारियां शुरू है, तो वहीं मूर्तिकार भी गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में राजनगर निवासी यादव परिवार द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। झांकी सजाई गई और आज हवन अनुष्ठान भी संपन्न हुआ। अग्नि तप देवाय नमः स्वाहा, ध्रुव देवाय नमः स्वाहा, अनंताय नमः स्वाहा, वास्तु देवाय नमः स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा, उमा महेश्वराय नमः स्वाहा, इष्ट देवाय नमः स्वाहा, देवाय नमः स्वाहा, सौंदराय नमः स्वाहा, लक्ष्मी देवाय स्वाहा, ओम हृत्ये नमः स्वाहा, मेधाय नमः स्वाहा, पुष्टये नमः स्वाहा, श्रद्धाय नमः स्वाहा, सरस्वती देव्ये नमः स्वाहा, भवज्ञाय नमः स्वाहा, ओम शान्तये नमः स्वाहा, पूर्णेधाय नमः स्वाहा, ओम सावित्र्याय नमः स्वाहा, द्वितीयाय नमः स्वाहा, ओम जयाय नमः स्वाहा, ओम देवसेनाय स्वाहा। अनगढ़ हनुमान मंदिर में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। स्थल पर आज सुदामा चरित्र की कथा सुनाई गई। भागवतों की कई प्रकार की परीक्षाएं होती है। हम यदि परीक्षा हमारे जीवन में आए तो घबराओ मत, क्योंकि आप जानते हैं जिसका स्कूल में एडमिशन होता परीक्षा उसी की होती।
अच्छा जिसका एडमिशन नहीं हो उसकी परीक्षा होती। अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, कोई परीक्षा हो रही, तो समझ लो कि परमात्मा की पाठशाला में हमारा एडमिशन हो गया। और जो व्यक्ति परीक्षा से घबराता नहीं ना, सोने को जब अग्नि में तपाते हैं वो और चमकने लगता है। उस समय नरसिंह भगत ने देखा, आज भगवान स्वयं सेठ बनकर के आ गए और सेठ बनकर के आए और राधा जी सिठानी बनकर के जब आई, सारे देवताओं को बारात में लेकर के आ गए। जब वहां पर लड़की वाले तैयारी नहीं कर रहे थे, उनको पता है कि बारात आना ही नहीं। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आप देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार, देहात थाना पुलिस की सफलता। आदिम जाति विकास विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस, प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने बजट सत्र की तैयारी को लेकर दिए निर्देश। सोनपुर पहुंच मार्ग का नाला बना जानलेवा, 26 अगस्त की रात कार सहित बहे युवक की मौत। और गणेश उत्सव की तैयारी में जुटे भक्त, मूर्तिकार श्री गणेश मूर्तियों को दे रहे आकार। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।